हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी स्टडी आई क्यू। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से जो है मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। दरअसल हम लोगों के गांव में जो लाइट है वो ख़राब हो गया था, जो ट्रांसफार्मर था वो जल गया था, जिसके कारण से जो है मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अब जो है मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 500 प्रश्नों का जो है पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। और इसके पहले जो है मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ओपन करके आप मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं। और ये होने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, SSC GD और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। SSC का सभी एग्जाम SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC GD, बिहार SSC सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, धोनी का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी जो धोनी का सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। धोनी का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसे धावन सोडा या धोनी का सोडा भी कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। और ये सभी जो है एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो NaHCO3। क्या है? NaHCO3 यानी सोडियम, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? तो 300। कितनी? 300 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? यानी जो लार जो है वो किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? यानी टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। किस में? टबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? यानी मनुष्य के विकास में जो निकटतम प्राणी है वो कौन सा प्राणी है? तो बंदर है। मनुष्य के विकास में कौन सा निकटतम प्राणी है? बंदर है। इसे चिंपैंजी कहा जाता है, अर्थात बनमानुष, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, केचुए में कितनी आंखें होती है? यानी केचुए की जो है आंखें कितनी होती है? तो कोई आंखें नहीं होती है। केचुए में कोई आंखें नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केचुए में कोई आंखें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त होता है, यानी जो रक्त होता है वो कैसा होता है? तो एक संयोजी ऊतक। कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोप्सी किससे संबंधित है? यानी जो बायोप्सी है वो किससे संबंधित है? तो परीक्षण के लिए, यानी ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। बायोप्सी जो है किससे संबंधित है? तो ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित, यानी परीक्षण के लिए जो है बायोप्सी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? यानी जो रसोई गैस है वो किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? यानी किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है? तो बर्न किलॉक। किसके कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है? तो बर्न किलॉक, अर्थात क्रोमोटोफोर्स। क्रोमोटोफोर्स के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? यानी जो दिल का दौरा होता है वो किसके कारण होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने की वजह से जो है दिल का दौरा होता है, ठीक है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होने से जो है दिल का दौरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्यतः वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? यानी सामान्यतः जो वयस्क व्यक्ति का जो हृदय का वजन होता है वो लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम का। कितना होता है? 300 ग्राम का होता है हृदय का वजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? यानी पौधों में जो क्लोरोफिल बनने के लिए जो है कौन सा जो तत्व होता है वो सहायक होता है?
तो मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से कौन सी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव के शरीर में जो कमी हो जाता है कौन सी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव के शरीर में कौन सी कमी हो जाता है, प्लेटलेट्स की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, यानी मनुष्य की जो खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है वो कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो 8 अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, 8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, WBC का मुख्य कार्य क्या है, यानी WBC का जो कार्य है वो क्या है, तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्त कणिका। तो WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, यानी आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो किस में लाभकारी होता है, तो थायराइड ग्लैंड के काम के लिए अर्थात ऑटो ग्रंथि के कामों के लिए। आयोडीन युक्त से जो है नमक किसके में लाभकारी होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाया था, यानी पोलियो की रोकथाम के लिए जो है जो पहली वैक्सीन जो प्रभावी पहली वैक्सीन जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो जोनास ईसाल्क ने। किसने, जोनास ईसाल्क ने जो है पोलियो की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी मार्मिकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो चींटियों का। किसका, चींटियों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रव चलित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी द्रव चलित जो ब्रेक हो है हाइड्रोलिक ब्रेक वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर। फिर पास्कल के नियम पर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, फार्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज़्यादा होता है, यानी फार्मिक एसिड जो होता है इनमें से किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो चींटी के बीस में होता है। किस में होता है, चींटी के बीस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है, चाइनीज खाने में जो आमतौर में जो प्रयुक्त सिरका है वास्तव में क्या है, तो एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है वो मुक्त रूप से किस में होता है, तो नींबू में। किस में, नींबू में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 500 प्रश्नों का जो है पार्ट टू, जो कि होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर करें, हौसला बढ़ाने के लिए जो है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों जी। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको अगले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज़ मिल सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।